अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद है आप खैर आफियत से होंगी। आज के वीडियो का टॉपिक है स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि स्टैंडर्ड इंग्लिश दरअसल है क्या, इससे क्या मुराद ली जाती है, इसकी तफसीलात क्या हैं, और ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, क्या इनके स्पेलिंग डिफरेंट है, या इनकी ग्रामर डिफरेंट है, या इनका एक्सेंट डिफरेंट है, या इन दोनों में क्या फर्क है। आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल है। आपका वेलकम है आपके प्यारे चैनल स्टडी विद फोला में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप टॉपिक को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। तो जी मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को तफसील से जानते हैं कि स्टैंडर्ड इंग्लिश की डेफिनेशन क्या है। स्टैंडर्ड इंग्लिश इज रिकॉग्नाइज्ड एज नॉट बीइंग अ क्लास और रीजनल डायलैक्ट। इट इज एन एजुकेटेड फॉर्म ऑफ इंग्लिश यूज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज सच एज एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश वो लैंग्वेज है कि सिर्फ एक डायलैक्ट नहीं है, ये एजुकेशनल फॉर्म है इंग्लिश की, जो ऑफिशियल पर्पजेज के लिए, मकासद के लिए इस्तेमाल होती है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, एजुकेशन, इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो फील्ड होती हैं उनमें ये बाकायदा इस्तेमाल की जाती है। इट हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक ग्रामर एंड वोकैबुलरी। We distinguish the British standard and American standard English. There are differences between these two standards mainly in the field of lexis, vocabulary and to a limited extent also in grammar and spelling. So, जी guys, इसकी एक specific किस्म की, एक खास किस्म की grammar होती है और vocabulary होती है। अगर हमने इनमें फ़र्क करना हो तो basically वो कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो इनकी vocabulary है, जो इनकी ग्रामर है और स्पेलिंग है, उनमें कुछ फ़र्क पाया जाता है। जो ब्रिटिश इंग्लिश है वो अमेरिकन इंग्लिश से कुछ मुख्तलिफ होती है। आइए देखते हैं किस तरह से। ब्रिटिश एंड अमेरिकन के जो प्रोनंसिएशन डिफरेंसेस होते हैं वो कुछ यूँ हैं। इन ब्रिटिश इंग्लिश मैनी वोवल्स हैव डिफरेंट साउंड्स आर यूजुअली नॉट नेजलाइज्ड। इसमें जो बहुत से साउंड्स होते हैं वोवल के, वो नेजलाइज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल down, sound, found. In British English, the A sound is pronounced at the back of the mouth, but in American English, it's pronounced in front of the mouth. British English में जो A है, A sound है या alphabet है, तो ये back of the mouth से pronounce होता है, लेकिन American English में ये front of the mouth से pronounce होता है, like A, A. For example, class, brass, ask. फास्ट। तो जी प्यारे साथियों, इनके कुछ डिफरेंसेस हम देख लेते हैं कि ब्रिटिश और अमेरिकन की वोकैबुलरी में क्या ऐसे फ़र्क हैं। अमेरिकन इंग्लिश में और ब्रिटिश इंग्लिश में एक ही वर्ड को किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बोला जाता है। अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट को यानी कि रहने की जो जगह है उसको अपार्टमेंट बोला जाता है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फ्लैट का नाम दिया जाता है। बिजी, एक आदमी जो है वो बिजी है अमेरिकन इंग्लिश में, लाइक फोन पे वो कॉल पे बिजी है, आई एम बिजी राइट नाउ, लाइक यू कैन यूज दिस वर्ड्स। बट इन ब्रिटिश इंग्लिश इंगेज्ड ऑन फोन लाइन, यानी कि पर्सन इज इंगेज्ड ऑन फोन लाइन विद समवन। कुकी, ये जो ई टेबल आइटम है कुकी, हम इसको अमेरिकन इंग्लिश में ये बोलेंगे और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बिस्किट बोलेंगे, जो कि हम पाकिस्तान में भी ये यूजली यूज करते हैं। इसके अलावा क्रॉस वॉक, ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में ज़ेब्रा क्रॉसिंग, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ब्रिटिश इंग्लिश में इसको बोलेंगे ग्राउंड फ्लोर, कैफेटेरिया, ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे कैंटीन, जहां पे हम लोग खाने के लिए जाते हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग, लेकिन इसमें ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स। ब्रिटिश अमेरिकन स्पेलिंग डिफरेंसेस, आवर, तो हम इसको बोलेंगे ऑनर फ्लावर, बट यूएई में और को ऑनर फ्लावर। वी सेंटर, आर ई एट द एंड ऑफ द वर्ड, आर ई सेंटर मीटर, बट इन इन यूएई ई आर इज सेंटर, ई आर मीटर। सी ई डिफेंस, लाइसेंस, बट हियर इज एस E, defense, license, yes, analysis, catalyze, yes, analysis,
catalyze. Here is SE, but here is ZE. The voices are ZE. The main spelling difference is here. ISE, apologize, license. Here is IZE, apologize, realize. Here is COG, dialogue, catalog. Here is OG, dialogue and catalog. तो ये सारे स्पेलिंग डिफरेंसेस हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं किस तरह से काफ़ी हद तक जो है इनके स्पेलिंग डिफरेंसेस बहुत मुख्तलिफ हैं यूके के और यूएई के। तो जी मेरे प्यारे साथियों, फाइव मेन फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश, अगर आप ये समझ सकते हैं तो आप बहुत ही अच्छे से स्टैंडर्ड इंग्लिश को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। फर्स्ट, इट्स व्हाट इज कंसिडर्ड टू बी पोश। पोश क्या होता है, जो कि हाईली क्वालिफाइड एक चीज़ होती है तो उसको पोश लिया जाता है। तो स्टैंडर्ड इंग्लिश को दरअसल पोश ही कंसिडर्ड किया जाता है। इट इज़ एसोसिएटेड विद इलीट ग्रुप्स ऑफ पीपल, वेल्दी, हाईली एजुकेटेड, आर्टिकुलेट एंड हु हैव पावर ओवर पीपल। तो इलीट कौन होते हैं, वो लोग जो हाईली वेल्दी हों, अमीर हों, हाईली एजुकेटेड हों, अच्छे पढ़े लिखे हों और लोगों पे एक किस्म का वो रूल ओवर कर रहे हैं, जैसे आप हुक्मरान की एग्जांपल ले सकते हो। डेविड क्रिस्टस सेज इज राइट इन टर्म्स ऑफ दिस आइडिया, इट इज यूज्ड इन द पब्लिक स्फीयर फॉर पॉलिटिकल एंड पावर पर्पसेस एंड दैट इज थीम टू बी द स्टैंडर्ड वैरायटी। सो ही सेज दैट इट इज यूज्ड फॉर द पावर पर्पसेस, पावर रिमोट पर्पसेस फॉर रूलिंग ऑन द पीपल। So this is, he says that the standard English is actually the feature number two. It is recorded and modified. You will find these in the dictionaries, grammar books, style guides. Basically, this is something you can see everywhere in schools when you are marked on your grammar and spelling. So feature number two, दरअसल ये है कि स्टैंडर्ड इंग्लिश आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो, इस तरह से जब आप डिक्शनरीज यूज करते हो, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी फॉर एग्जांपल यू कैन से, तो उसमें जो ग्रामर है, स्टाइल है या गाइड्स हैं, तो वो इसीलिए एक मॉडिफाइड वे में लोगों के आगे रखी गई हैं ताकि लोग उनसे हेल्प ले सकें और वो स्टैंडर्ड इंग्लिश ही कहलाएगी। अब जब स्कूल और कॉलेजेस में जब आपको लेसन दिया जाता है या बुक्स दी जाती हैं जिस बिना पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं, वो भी स्टैंडर्ड इंग्लिश ही कंसिडर की जाती है। फीचर नंबर थ्री, इट डज नॉट हैव अ होम। यू मे थिंक दैट ग्रेट ब्रिटेन विल क्लेम दिस आइडिया ऑफ स्टैंडर्ड वैरायटी, हाउएवर देयर आर स्टैंडर्ड वैरायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये बेसिकली किसी का कोई घर नहीं है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड इंग्लिश है। जो ग्रेट बर्तानिया के जो लोग थे, वो जो यूज करते थे लैंग्वेज, वो स्टैंडर्ड इंग्लिश ही कंसिडर्ड होती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। और उसका स्टैंडर्ड बना दिया गया है कि जो पहले के अजीम लोग थे बर्तानिया से रिलेटेड, वो जो बोलते थे वो लैंग्वेज स्टैंडर्ड इंग्लिश ही है। फीचर नंबर फोर, इट इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल। मोस्ट पीपल राइट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश एंड ऑलमोस्ट 5% ऑफ द वर्ड स्पीक्स द स्टैंडर्ड वैरायटी। सो ये इजीली रिकॉग्नाइज हो जाती है क्योंकि 5% जो है दुनिया के लोग ये बोलते हैं और ये स्टैंडर्ड वैरायटी जो है इसको इस्तेमाल करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक अच्छे मैनरेबल लुक दे सकें अपने आप को। फीचर नंबर फाइव, इट कैन बी स्पोकन विद एनी एक्सेंट बट ओनली पेज अटेंशन टू वोकैबुलरी, स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये जी किसी भी एक्सेंट में बोली जा सकती है। इट मींस दैट अगर आप पंजाबी हो, आप सिंधी हो, बलोची हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, तो आप किसी भी एक्सेंट में बोल सकते हो, लेकिन जो मेन चीज़ है कि आपके स्पेलिंग सही होने चाहिए, आपकी वोकैबुलरी सही होनी चाहिए, आपकी वोकैबुलरी और ग्रामर जो है उस पर आपको फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी एक्सेंट जो है आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। इफ़ यू लर्न समथिंग, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दूसरे लर्नर्स के साथ ताकि वो भी कुछ सीख सकें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह।